एक भूले बिसरे जंगल में एक शेर का बच्चा लियो एक प्राचीन खजाने के डिब्बे के पास पहुंचा, जो मुड़े हुए जड़ों के नीचे आधा दबा हुआ था। सोने की चमक से आकर्षित होकर उसने डिब्बे के ढक्कन को पंजे से खोला। एक चरचराहट के साथ यह खुल गया, जिसमें चमकदार गहने थे, लेकिन साथ ही एक गहरा अंधेरा भी निकला, जो धुएं की तरह बाहर आया। अचानक हवा में फुसफुसाहटें गूंज उठी, जो उसका नाम लेते हुए उसे बुला रही थी। साए भूतियां आकृतियों में बदल गए। खोई हुई आत्माएं जो खजाने के बंधन में थीं, उनकी आंखें खोखली और मदद की मांग में। लियो की मासूमियत डर में बदल गई जब आत्माएं उसकी ओर बढ़ीं, उनकी भूतियां बाहें उसकी फर पर लगने लगीं। डर कर वह पीछे हट गया, लेकिन डिब्बा एक खतरनाक खिंचाव के साथ धड़कने लगा। एक आखिरी चीख के साथ वह झाड़ियों में दौड़ गया, उस श्रापित खजाने को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब जंगल खामोश हुआ, फुसफुसाहटें बनी रहीं, यह वादा करती हुई कि एक दिन वह लौटेगा।